आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी, आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। अब देखिए एक अहम खबर, दिल्ली के खुरेजी के इमामबाड़े से आज एक जुलूस निकाला गया जिसमें अलम, ताबूत और जुलजना बरामद किए गए। ये जुलूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मनाया गया और हर साल आखिरी संडे में ये जुलूस निकाला जाता था, लेकिन इस बार कोरोना की लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए इस जुलूस को सड़क से आगे नहीं बढ़ाया गया, बल्कि इमामबाड़े के अंदर और बाहर सड़क पर ही थोड़े लोग नजर आए जो या हुसैन कहकर मातम भी कर रहे थे। मातम से पहले एक मजलिस मुनाकिद हुई जिसे मौलाना आबिद साहब ने खिताब किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फजाइल और मसाइब बयान किए। देखें जुलूस के बाद मातम, ताशे का मातम और जुलजना, देखें। हमारे साथ हैं सैयद अलमदार जैदी जो खुरेजी के जुलूस में शामिल है, वो बताएंगे कि खुरेजी का जुलूस कब से निकलता है और कहां तक पहुंचता था, इस बार क्यों पूरा नहीं निकल पाया। पूरी दुनिया के साथ हिंदुस्तान में जो कोरोना वायरस से मद्देनजर लॉकडाउन होने के चलते आजादार इमाम हुसैन इंसातुल्लाह का गम दिल खोलकर नहीं मना सके, इस बीच सफर यानी चालू महीने के आखिरी इतवार को खुरेजी के बड़े इमामबाड़े से जुलूस रकम बरामद किया गया जिसमें ताबूत, जुलजना और अलम लेकर सैकड़ों आजादार मातम करते रहे। बता दें ये जुलूस हर साल इस इमामबाड़े से निकाला जाता रहा, तकरीबन एक किलोमीटर का सफर तय करता हुआ जितार नगर स्थित मरहूम मास्टर इफ्तिखार साहब के घर पर तमाम होता है, लेकिन इस बार यह वहाँ तक नहीं बल्कि कुछ ही दूर जाकर वापस इमामबाड़े आ गया। इंशाल्लाह अगले साल ये जुलूस अपना पूरा सफर तय करेगा। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।